अकाउंट बंद करा, यहीं से बंद करा। ठीक है, बताएंगे। लोगों से हिदायत देना, लोगों क्या व्यवस्थाएं हैं और हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज 1 मई है, तो माह मई का जो जन वितरण प्रणाली का राशन है उसका भी वितरण आज से प्रारंभ होना है। तो उसी क्रम में मैंने कई राशन की भी दुकानें देखी और सर्वर की कुछ समस्या है, उसको लेकर कुछ स्टॉपेज है, वो मैंने ऊपर शासन में भी बताया है। वो ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से सर्वर चल जाए, राशन वितरण हो जाए, नंबर एक। नंबर दो, फिर हमने शहर में, चूंकि आज जुम्मा भी है, तो उसको लेकर के एक प्रकाशन ये है कि लोग मस्जिदों में इकट्ठा ना हो, इकट्ठा होकर के नमाज ना करें, तो इसके लिए भी पुलिस लगी हुई है। वो भी तो उस चक्कर में थोड़ा सा जो है लोगों का ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था, तो उसमें जगह जगह हमने सख्ती की हिदायत दी कि अनावश्यक लोग जो भ्रमण कर रहे हैं उनको रोका जाए। जिनको एसेंशियल किसी काम के लिए, आवश्यक किसी काम के लिए जाना है, तो उनका पर्पस चेक कर लें, पर्पस चेक करके उनको जाने दें। अनावश्यक इधर उधर घूमने वालों को हतोत्साहित किया जाए, इसके लिए संदेश दिया गया, निर्देश दिया गया। सर, आपने सर साहब चौका साहब रोड पे खुद उतर के चेकिंग किए थे आपने, कि लोग पास लेके निकल रहे, घूम रहे हैं, इसमें क्या जाती है? इसमें यही है कि पास भी जिस पर्पज से दिया गया है उसी पर्पज के लिए प्रयोग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सफाई कर्मी को सफाई कार्य के लिए पास दिया गया है तो वो सूट बूट लगा करके इधर से उधर भ्रमण करे। यही निर्देश है कि पास भी जिस पर्पज के लिए दिया है उसी पर्पज, उसी उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग करें। इधर उधर अगर घूमना शुरू करेंगे तो फिर पास को निरस्त कर दिया जाएगा, गाड़ी भी सीज हो जाएगी। दुकानों, आपने दुकानों को जो परमिशन दिया है खोलने की, उसके अलावा दिया वही खुलेंगे, उसके अलावा कोई नहीं खुलेगा। उसके अलावा खुलेगी तो फिर सीज करके कार्रवाई होगी।
सर क्या अपील होगी जो लोग मान नहीं रहे उनके लिए, क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, जो मान नहीं रहे उनको, उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होगा, उनके खिलाफ दंड की कार्रवाई की जाएगी। तो जो नहीं मान रहे हैं उनके लिए चेतावनी है कि भाई आप, अगर आप नहीं मानेंगे तो इसमें सारे प्रोविजंस हैं, इसमें एक्ट में FIR की व्यवस्था है, सजा देने की व्यवस्था है, तो वो नौबत ना आए वही ठीक है। सब एकदम सहयोग से काम करें, सभी लोगों की जो आवश्यक जरूरतें हैं उसका ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन हमको उसको तरीके से यूज करना है। ऐसा नहीं कि वहां भीड़ लगानी है, अगर कहीं भी भीड़ लगने की नौबत आएगी तो हमको एक मिनट भी नहीं लगेगा, हम उसको फिर एकदम कम्प्लीटली लॉकडाउन कर देंगे, क्लोज डाउन कर देंगे, उससे जनता को ज्यादा असुविधा होगी। तो इस बात का ज्यादा हमको ध्यान रखना है कि लॉकडाउन में जिन चीजों के लिए पास दिया गया है या जिन चीजों को, जिन दुकानों को अनुमति दी गई है, वो अनुमति का भी प्रयोग बहुत ही सलीके से करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सड़क पे अनावश्यक नहीं घूमना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो अनावश्यक घूमने वालों से है, जो आवश्यक कार्य के निकल रहे हैं उनसे प्रॉब्लम नहीं है। तो अनावश्यक निकलेंगे तो उसमें फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके।